हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आंवला कैंडी की रेसिपी। वैसे आंवले में तो बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जैसा कि इसमें होता है विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीस, इन सभी चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में होती हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा केजी के करीब आंवला। यह ताज़ा आंवला है, इसे धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। अब इसे हमें उबालना है। मैं तो इसे कुकर में उबाल रही हूँ, आप चाहो तो इसे पतीले में भी उबाल सकते हो। इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसे मैंने डाल दिया है कुकर में और इसमें डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा पानी, लगभग 1 कप के करीब। पानी हमें इतना डालना है कि आंवला हमारा अच्छी तरह डूब जाए। लिड लगा दिया है मैंने और इसे 2 से 3 मिनट लगने तक पका लेंगे, या फिर आप इसे पतीले में पका रहे हो तो इसे फटने तक आप पका लें। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और ये हमारा आंवला अच्छी तरह पक गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हमें इसे ठंडा कर लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। और ये जो आंवले का पानी है ना, बहुत ही हेल्दी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। या फिर आप चाहो तो इससे बाल भी धो सकते हो। तो आप देख सकते हैं आंवला अच्छी तरह फट चुका है और इसके जो छिलके हैं वह भी अलग हो गए हैं। तो आप चाहो तो छिलके को हटा भी सकते हो। अब हमें आंवले के जो फांके हैं इसे हमें इस तरह से अलग कर लेने हैं, इसे आप कलियां भी कह सकते हैं। तो बाकी सभी आंवलों को इसी तरह से अलग कर लेना है, इनके कलिया को अलग कर लेने हैं। बड़े ही आसानी से अलग हो जाते हैं। अगर इसे आप ओवर कुक कर देंगे तो फिर मैसी हो जाएगा। और ये जो बीज है इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आंवले को अलग कर लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। आप चाहो तो इसे ऑयल में भी बना सकते हो। घी हमारे यहाँ पे मेल्ट हो गया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा आधी छोटी चम्मच, सरसों के दाने आधी छोटी चम्मच, सौंफ आधी छोटी चम्मच, या फिर आप चाहो तो सौंफ को कूटकर भी डाल सकते हो। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है कैंडी में। हींग 1 चुटकी। हींग डालना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, ना डालें। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, जो कि तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, यह सिर्फ कलर के लिए होता है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हमें मसाले को पका लेने हैं। तो ये हमारा मसाला पक गया है, तो चलिए इसमें डाल देते हैं आंवले को। यह बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ही बन जाते हैं। तो आंवले को हमें एक बार मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। अब इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। पूरे प्रोसेस को हमें लो फ्लेम पर ही करने हैं। ऐसा करने से हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है और जो मसाले का फ्लेवर है आंवले के अंदर तक आ जाता है। तो ये देखिए हमारा आंवला अच्छी तरह भुन गया है। अब बारी आती है गुड़ डालने की, या फिर आप गुड़ के जगह पे बूरा या जो तगार होता है ना वह भी आप डाल सकते हो, या फिर आप चीनी भी ऐड कर सकते हो। और गुड़ को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, नॉर्मल नमक जिसका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं, और थोड़े से काला नमक, इससे चटपटा टेस्ट आता है। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 2 मिनट हो गया है, तो ये देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब यह काफ़ी पतला है, तो इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भी और पका लेने हैं, जिससे कि हल्का सा यह गाढ़ा हो जाए।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला इस पर चटपटा बनाने के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें भुने जीरे का पाउडर भी ऐड कर दिया है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी उसके लिए सॉरी। फिर से इसे कवर कर देंगे ताकि चाट मसाले और जीरा का जो फ्लेवर है अंदर तक अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा चटपटा आंवला कैंडी तैयार हो गया है, पर फिर भी अभी काफ़ी पतला है, तो जैसे जैसे ठंडा होगा गाढ़ा होते जाएगा। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये जो गुड़ का चाशनी है ना आंवले के अंदर अच्छी तरह चला गया है, बहुत ही यमी डिलीशियस बना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आप इसे पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो एक आंवला तो ज़रूर खाना चाहिए हर रोज़। होप्स आपको हमारे वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।